हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्ड हुड, खोए हुए बचपन की कहानी, जो लिखी गई है भाई अनीश जंग द्वारा। इसमें आपकी जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, इसमें दो स्टोरीज है। पहली स्टोरी इसमें समटाइम आई फाइंड 1 or 2 rupees नोट इन द गार्बेज, जो साहिब के ऊपर क्या थी, बेस्ड थी। जो साहिब था वो बांग्लादेश से क्या हो रखा था, आ रखा था, और वो क्या करता, कूड़े कचरे का उठाने का काम करता। उस स्टोरी के मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। और इस वीडियो में हम सेकंड स्टोरी है जो आप लोगों की, आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, जो मुकेश के ऊपर क्या है, बेस्ड है, उसे क्या कर देंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो यहाँ पे लेखिका है अनीश जंग, जब वह फिरोजाबाद की गलियों में क्या कर रही थी, घूम रही थी, तो उस समय क्या होता है, वह फिरोजाबाद के प्रत्येक व्यक्ति से क्या करती है, पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे लाइफ में सपना क्या, तुम्हारा एम क्या। तो फिरोजाबाद का प्रत्येक व्यक्ति उसे यही जवाब देता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ चूड़ी बनाने का काम आता है, हम चूड़ी बनाते हैं, चूड़ी बनाने के काम के अलावा हमसे कोई भी काम नहीं आता। तो उसे यही जवाब मिलता प्रत्येक व्यक्ति से लगभग लगभग। फिर क्या होता, जब वह फिरोजाबाद में गलियों में घूम रही थी, तब उससे क्या होता है, एक छोटा सा बालक उससे क्या होता है, टकराता है, और उस बच्चे से पूछती है कि व्हाट इज योर ड्रीम, कि तुम्हारा सपना क्या है। तो वह छोटा सा बालक उत्तर देता है कि आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, और आई वांट टू ड्राइव ए कार। फिर लेखिका उससे आगे पूछती है कि देखते हैं कि इसका सपना है क्या, है सपना यही देख रहा है, इसके अलावा और कोई भी सपना है। वो पूछती है कि क्या तुम एरोप्लेन उड़ाना चाहते हो। तो जो मुकेश होता है एकदम से क्या कर देता है, इनकार कर देता है, कहता है नो मैडम, आई वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक एंड आई वांट टू ड्राइव ए कार, मैं सिर्फ और सिर्फ एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, और मुझे क्या करना है, कार चलानी है। तब उसे क्या होता है, पूरे फिरोजाबाद के अंदर मुकेश एक डिफरेंट यानी कि बहुत अलग व्यक्ति दिखाई देता है, एक अलग बिल्कुल। और उसके ऊपर वो क्या करती है, स्टोरी लिखती है, और इस स्टोरी में हम क्या करते हैं, उसी के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनता आप लोगों का, हु मैंने कौन, इज मैंने है मुकेश, मुकेश कौन है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, उसका सपना क्या है, व्हाट डज इट लूम लाइक, और उसके सपने किस प्रकार प्रतीत होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, वेयर वेयर मैंने कहां पर, मुकेश हाउस लोकेटेड, मुकेश का घर किस जगह है, किस स्थान पर स्थित है, आपको बताना आंसर। मुकेश इज मैंने है द सन ऑफ पूर, पूर मैंने होता है गरीब, बेंगल मेकर, जो मुकेश है वह गरीब चूड़ी बनाने वाले का बेटा है, इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद के अंदर रहते हैं, ही मैंने वह वांट्स मैंने चाहता है, टू बी मैंने होना, अ मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, मुकेश क्या चाहता है, मोटर मैकेनिक, उसमें उसका जो ड्रीम है वो मोटर मैकेनिक बनने का। तो इसी बार आप लोगों की इसमें यही बात अच्छी तरीके से याद रखनी कि मुकेश क्या बनना चाहता है, मुकेश वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, हिज ड्रीम्स, हिज मैंने उसका ड्रीम मैंने सपना, लूम लाइक्स प्रतीत होता है, दिखाई देता है, मिराज, मिराज मैंने होता है मिर्चिका के समान, जैसा आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा मिर्चिका क्या है, दृष्टिभ्रम, यानी कि उसे दृष्टिभ्रम की तरह क्या होता है, प्रतीत होता है। मुकेश हाउस, जो मुकेश का हाउस है, इस मैंने है लोकेटेड मैंने स्थित, इन स्लम एरिया, जो मुकेश है जो उसका हाउस है वह स्लम एरिया में स्थित है। स्लम एरिया होता झुग्गी झोपड़ी वाला, जैसे गंदी बस्तियां होती है या झुग्गी झोपड़ियां होती है, उसे बोलते हैं स्लम एरिया। लेकिन जो मुकेश है उसे एक चीज का प्राउड होता है, उसे अभिमान होता है कि जो मुकेश का जो घर है ना, क्योंकि जहां जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां थी सारी कच्ची बनी हुई थी वैसी थी, लेकिन जो मुकेश का घर होता है वह पक्की ईंटों से क्या था, बना हुआ था। और मुकेश को इसी चीज का क्या होता है, अभिमान भी होता है। तो इसलिए मुकेश का हाउस पूछा जाता है, मुकेश हाउस इज लोकेटेड इन स्लम एरिया, मुकेश का हाउस स्लम एरिया के अंदर स्थित था। फिर सेकेंड क्वेश्चन बनता है, सेकंड क्वेश्चन बनता हाउ मैंने कैसे, इज मैंने है मुकेश एटीट्यूड, एटीट्यूड मींस दृष्टिकोण, टू हिज सिचुएशन, उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग, डिफरेंट, डिफरेंट मैंने अलग, फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, यानी कि जो मुकेश का एटीट्यूड है उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग उसके परिवार से किस प्रकार अलग है, मुकेश का दृष्टिकोण उसकी परिवार से किस प्रकार भिन्न, आपको स्पष्ट करना आंसर। अब देखते हैं आंसर, मुकेश वॉन्ट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, जो मुकेश होता है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश इंस्टीड ऑफ बींग हिज ऑन मास्टर, जो मुकेश होता है खुद का मालिक बनना चाहता है, वो कहता है कि मुझे खुद का क्या बनना है, मालिक बनना, मुझे अपना खुद का काम करना। जबकि जो लेखिका जब वह फिरोजाबाद घूम रही थी, फिरोजाबाद का प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब देता है कि हमसे क्या, सिर्फ और सिर्फ चूड़ी बनाने का काम आता है, चूड़ी बनाने के काम के अलावा हम कोई भी काम नहीं करते। वह प्रत्येक व्यक्ति जो उनकी सोच है वह नौकर की होती है, लेकिन जो मुकेश है वो मालिक बनना चाहता है। मुकेश इंस्टीड ऑन बींग
his own master. Mukesh मालिक बनना चाहता है सोया का. He says वह कहता है I will be a motor mechanic. मैं motor mechanic बनूंगा. While मैंने जबकि his family उसका परिवार follows मैंने पीछा करता है. The trade means होता कारोबार of glass बेंगल मेकिंग है. जबकि उसका परिवार सिर्फ और सिर्फ चूड़ी बनाने का कारोबार करता है. हर चूड़ी बनाने का कारोबार के अलावा कुछ भी नहीं सोचता है. पूरे फिरोजाबाद में मुकेश एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ और सिर्फ पूरे फिरोजाबाद से अलग सोच रखता है. वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना. हिज मैंने उसकी इंटेंटिव मैंने पहल मेक्स मैंने बना देती है. हिज एटीट्यूड उसकी एटीट्यूड को डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली. यही उसकी पहल यही उसकी सोच कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना उसे पूरे फिरोजाबाद से क्या करती है अलग करती है और उसके परिवार से उसे क्या कर देती है भिन्न कर देती है. यही सोच उसकी यही पहल. फिर आपका क्वेश्चन आता है थर्ड मैंसन मैंने लिखी है दर्शाई है द हजार्ड ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज. यानी कि जो भी व्यक्ति ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज के अंदर काम करते हैं वर्क करते हैं उन्हें कौन कौन से खतरे हैं वो आपको क्या करना है लिखने हैं दर्शाने हैं. आंसर द बिगेस्ट मैंने होता सबसे बड़ा हजार्ड मैंने खतरा ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज. जो व्यक्ति ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज कांच बनाने चूड़ी बनाने वाली कंपनियों में इंडस्ट्रीज में उद्योगों में काम करते हैं इज दैट द वर्कर्स मैंने कर्मचारी लूजिंग मैंने खो देते हैं देर मैंने अपनी आईसाइट. वह क्या करते हैं अपनी आईसाइट को क्या कर देते हैं खो देते हैं. कहने का मीन्स ये है कि वे अंधे हो जाते हैं. बिफोर मैंने पहले ही दे मैंने वे बिकम एडल्ट्स जब तक मैं क्या होते हैं जवान होते हैं जवानी से पहले ही अपनी आंखें क्या कर देते हैं खो देते हैं. और दे मैंने वे सुपर मैंने परेशान रहते हैं फ्रॉम द स्किन प्रॉब्लम. उन्हें क्या रहता है जो स्किन की समस्या होती है यानी कि त्वचा की जो प्रॉब्लम है उनकी त्वचा पर क्या रहते हैं ब्रिक गर्मी के कारण दाने निकल जाते हैं कोई ना कोई क्या होती है बीमारी या उनकी स्किन क्या हो जाती है जल जाती है बर्न हो जाती है. क्योंकि जो ग्लास बेंगल यानी कि चूड़ी बनती है वे फर्नेस पर काम करते हैं और जब फर्नेस पर काम करते हैं तो जो वहाँ का टेम्परेचर होता है जिसके कारण उन्हें स्किन प्रॉब्लम भी होती है. तो दे मैंने में सुपर मैंने परेशान है फ्रॉम द स्किन प्रॉब्लम डिफरेंट्स मैंने अलग अलग यानी कि उन्हें अलग अलग तरह की स्किन प्रॉब्लम होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर यानी कि अधिक टेम्परेचर के कारण यानी कि जो वहाँ का तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता और अधिक टेम्परेचर के कारण उन्हें क्या होती है स्किन प्रॉब्लम होती है. तो ये उन्हें समस्या प्रॉब्लम खतरे हैं. फिर क्वेश्चन नंबर तापा चार वोट मैंने क्या मेक्स मैंने बनाता है द सिटी मैंने शहर को ओ फिरोजाबाद फेमस फिरोजाबाद को कौन सी ऐसी चीज है जो से क्या करती है प्रसिद्ध बनाती है फेमस कर देती है. आंसर द ट्रेड मैंने होता कारोबार ऑफ ग्लास बेंगल मेकिंग चूड़ी बनाने का कारोबार यानी कि जो फिरोजाबाद है फिरोजाबाद के प्रत्येक गली प्रत्येक शहर प्रत्येक मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है चूड़ी बनाने का काम. और यही चूड़ी बनाने का काम फिरोजाबाद को प्रसिद्ध करता है. फिरोजाबाद चूड़ी बनाने वाले शहर के नाम से जाना जाता है या सुहाग के शहर से यानी कि जो फिरोजाबाद से बोलते हैं सुहाग का शहर क्योंकि वहां से सुहाग से संबंधित वस्तुएं बनाई जाती है जैसे चूड़िया होगी चूड़े हो गए ठीक है ना हाथों के कंगन ऐसे ऐसे चीजें वहां बनती है इसलिए सुहाग का शहर भी कहा जाता है. तो द ट्रेड मीन्स कारोबार ऑफ द ग्लास बेंगल मेकिंग चूड़ी बनाने का कारोबार मेक्स मैंने बना देता है द सिटी मैंने शहर को और फिरोजाबाद फेमस यानी कि यही चूड़ी बनाने का काम फिरोजाबाद को प्रसिद्ध बनाता है. ठीक है फिरोजाबाद की जो चूड़ियां है पूरे भारत में क्या है प्रसिद्ध फेमस है और इसी चीज से पूरा फिरोजाबाद क्या होता हो जाता है प्रसिद्ध हो जाता है. तो इस प्रकार से जो भी आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन थे मैं क्या करते हैं कंप्लीट हो जाते हैं. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.